रघुलेला मॉल का जो 14th एनिवर्सरी, उसके क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप देख रही हैं, कब से इस मतलब यहाँ पे आती हैं और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है? मैं सालों से इस मॉल में आती हूँ. रघुलेला मॉल मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज बहुत सालों से मैं इस मॉल में आती रही हूँ. मेरी दोस्त है उर्वी, हु इज वन ऑफ द मेजर पीपल हु इज बिहाइंड द एंटायर मॉल. पिछले 3-4 सालों से रघुलेला मॉल हैज डन सच अ इट्स बीन सो डिफरेंट. इतनी ड्यू टू दिस मैनेजमेंट फॉर द लास्ट 1 ईयर रघुलेला मॉल हैज रियली ग्रोन. इतनी एक्टिविटीज, इतनी इवेंट्स होते हैं एंड इट्स अ वेरी एक्टिव, वेरी लाइव दिस मॉल इज बिकम. And देख के बहुत खुशी होती है. It's all thanks to my friend Urvi Rathod who's behind this whole thing. Oh, nice. Okay. तो अभी जानना चाहूँगा 14th celebration में क्या-क्या special होने वाला है, क्या मतलब activities होंगे या हर age group के लिए क्या-क्या अलग-अलग? 4 days activities हमने रखी हुई थी जिसमें बच्चों की drawing competition, sport painting, dance, lots of fun, music. हमारा थीम था ये स्पेस रिलेटेड. सो वर्ल्ड रिनोन साइंटिस्ट डॉक्टर जे जे रावल ऑल्सो ग्रेस द ओकेजन. देन द सेकंड वन इज डियर सुचेता एंड मिस्टर असलम शेख. द ऑनररी असलम शेख ऑल्सो इज कमिंग टू ग्रेस द ओकेजन. एंड एवरी टाइम दिस पीपल हैड शोन द सपोर्ट एंड लव व्हेन एवर वी वॉन्टेड देम. तो यहाँ क्राउड की डिसिप्लिन है क्योंकि क्राउड को मेंटेन करना. अच्छा, एंड वन मेजर इवेंट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी मिस्टर जाहिद, कि हमने यहाँ पे ना सेव एनर्जी ग्रीन अर्थ, तो उसके लिए तुलसी प्लांट सबको हम मॉल के मेंबर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं. और हमारा एक थीम रहेगा और हम सबको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ग्रो मोर प्लांट्स एंड मूव टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. सर, ये जानना चाहूँगा क्राउड डिसिप्लिन के बारे में, बताइए कि क्राउड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. डेफिनेटली, बिकॉज नाउ फॉर 4 days वी आर हैविंग अ ह्यूज क्राउड एंड आई एम थैंकफुल टू द क्राउड ऑल्सो एज वेल बिकॉज दे आर मेंटेनिंग एवरीथिंग एंड आर सिक्योरिटी स्टाफ दे आर ऑल्सो वेल ट्रेन एंड वेल एक्विपाइड दिस थिंग. For that, and once again, I want to say all the people of Kandivali, Boroli for maintaining this peace and harmony in our mall. Thank you very much, and please do come and shop over here and dine and festival. And in the future, what are the vision? मतलब किस तरह से all entertaining बनाएंगे ताकि ज़्यादातर customers यहाँ आएं, ज़्यादातर लोग यहाँ. As normally we are doing from the last also. Last time we did Sharad Purnima, and then we have a 14th anniversary. As we are planning Diwali. We are planning Suchita Khanna to be a brand ambassador also for our mall. Oh, wow. That we will going to decide in our committee meeting. And we are proposing her actually right now. That she will be a brand ambassador for Rabila Mall. I always having an idea ki her brand ambassador bane because she is the perfect female whereby shopping bolo, teacher bolo, banquet bolo, offices bolo, to ye brand ambassador sahi dhang se ban sakti hai. Aur unhone itna pyar dikhaya hai ki she always रघुलीला मॉल को अपना खुद का मॉल के जैसे कंसिडर करके वेन एवर वी कॉल हर वो ऑलवेज आई है और उन्होंने ग्रेस किया है ओकेजन. तो थैंक यू फॉर सो मच लव. रेडी फॉर द न्यू वेंचर ऑलरेडी आपको ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने बना ही दिया है यहां पे. रघुलीला मॉल इज फैमिली टू मी, द मैनेजमेंट इज फैमिली टू मी. दैट्स ऑल आई लाइक टू से. एंड इट्स बीन वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग. The people, the management, everyone, inclusive of all my security people, they are so fantastic. And I like the warmth in this place. That's why I find this place very special. वो बरकरार रहेगी और लोग इसी तरीके से लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे क्योंकि जब मॉल का कल्चर बना तो कई मॉल जो है वो ठप हो गए लेकिन रघुलीला मॉल जो है अपने आप को सस्टेन किया हुआ है. तो मुझे लगता है कि इसकी एक अपनी पहचान है और आगे भी लोगों को इसका फ़ायदा होगा. और जो इतने क्राउड होते हैं सर, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं कि सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करना चाहिए या किस तरह से एक? मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको एक अच्छा एक माहौल ही ऐसा लगता है, ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत लगती नहीं है. और प्लस ऑलरेडी ये मॉल ने जो सिक्योरिटी हायर करके रखा है, अभी तक तो इन 14 सालों में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे मॉल की बदनामी हो या सिक्योरिटी में उन्होंने अपने कंज्यूमर के लिए कोई लैप्सेस रखा हो. मेरे ख्याल से जो अपने जो कस्टमर है जितना अपने कपड़ों का या अपने दुकान का ध्यान रखता है उतना ही वो अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखते हैं और सिक्योरिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. सर, सारा देश चुनाव के माहौल में क्या कहना चाहेंगे, परिवर्तन कितना जरूरी है और किस तरह का परिवर्तन देखने जाते हैं? परिवर्तन बोले तो देश का जो चीफ जस्टिस है वो रो रहा है, देश का जो है पुलिस वाले रो रहे हैं, देश की महिलाएँ रो रही हैं, देश का व्यापारी रो रहा है. मुझे ख्याल से हंसता हुआ अगर कोई दिख रहा है तो वो प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, बाकी सब तो रो रहा है. अगर बाकी सबको हंसना है तो वो रो जो पहले से असर है उसको कहीं ना कहीं उठा के बाबा वापस भेजना पड़ेगा जहाँ से वो आया था. तो क्या क्या कांग्रेस का पलड़ा भारी है या फिर बीजेपी? चुनावी दौर में तो मुझे लगता है देश की जनता का पलड़ा भारी है, तंग आ चुके हैं देश और बदलाव चाहती है और बदलाव जरूर होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ. बदलाव कांग्रेस ही लाएगी और कौन लाएगा? देश को आज़ाद अगर कांग्रेस ने कराया है तो बदलाव भी कांग्रेस लाएगी. GST भी कम हो जाएगा, रफाइल के अंदर जो चोर लोग हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, जो अपने आप को
अपने आप को बहुत साफ बताते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़े चोर है, दिख के आएगा आपके सामने। देखिए पूरे देश में जो मीडिया जिस तरीके से उन्होंने हैक करके रखा हुआ है, लगभग आधे से ज़्यादा मीडिया को जो है बोलने का अधिकार नहीं है, देश को बोलने का अधिकार नहीं है। मन की बातें सुनने की जबरदस्ती जो है स्लीपिंग डोज दी जा रही है, इससे जो है देश बाहर आना चाहता है। उर्मिला मातोंडकर ही आएगी, गोपाल जी का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। थैंक यू।